बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब मेरा ख्याल है कि मुझे को अब तारफ ना भी करवाया करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, दी पीपल नो मी। और जहाँ तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, ये एक सीरीज़ है और आज मैं थोड़ा सा ठंडे अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक पे चलूँगा आज के दिन। तो ये टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ान से हज़रत इकबाल तक, और ये एक इंतहाई अहम तारीखी दौर है जिसका आगाज़ 1817 में होता है शायद, जब उनकी पैदाइश है सर सैयद की, और 1898 तक है ये टाइम। ये एक सदी जो है तकरीबन जो जिसको आप कहते हैं 19वीं सदी, ये मुसलमानों के मुसलसल जवाल की एक तवील तरीन दास्तान है। 1799 के जून में टीपू सुल्तान की शहादत का वाक़या पेश आता है, 1857 की जंग आज़ादी, और इसके दौरान अब मैं एक और भी बात आपको बताऊंगा कि 1835 भी हमारी तारीख में बड़ा इम्पॉर्टेंट साल है वहाँ के हिसाब से, बंगाल के हिसाब से, और 1849 का साल भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1802 में पंजाब पे रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई, 1849 में सिखों की हुकूमत का अंग्रेज़ों ने बाकायदा ख़ात्मा कर दिया पंजाब में। तो ये सारे वाक़यात, टीपू की शहादत, उसके बाद सिखों का पंजाब पे काबज़ होना, सिखों की सल्तनत का इनकराज, 1857 की जंग आज़ादी और मुग़लों का ख़ात्मा, सारे वाक़यात जो हैं इन तकरीबन तकरीबन सर सैयद की निगाहों के सामने पेश आए। एक तो वो इन तमाम हालात और वाक़यात के गवाह हैं किसी हद तक। दूसरी चीज़ ये है कि तहजीबी तौर पे जो ट्रांजिशन हुई है मुसलसल, उसके भी वो गवाह है। फारसी से उर्दू की तरफ सफ़र, सर सैयद का खुद पर्शियन को रजिस्ट करना उसको छोड़ने को, ये एक ज़ुबान का ट्रांजिशन नहीं थी, एक तहजीब की ट्रांजिशन थी, कल्चर की स्ट्रेंथ की, इसको भी आप मद्देनज़र रखेंगे। और फिर सर सैयद के यहाँ हमें एक और चीज़ मिलती है, वो है रिकन्सिलिएशन, ग्रेजुअल रिलीजियस नुक्ता नज़र से भी उन्होंने रिकन्साइल किया बहुत सारी चीज़ें। मे भी 2% या 3% चीज़ों पे आप इख्तलाफ़ भी करें, बिकॉज़ ही वाज रिकन्साइलिंग, लिबास के हिसाब से भी वो रिकन्साइल कर रहे थे, तहजीबी एतबार से भी, अंग्रेज़ी तालीम के असूल के लिए भी, तो वेंट ऑन रिकन्साइलिंग। तो इस रिकन्सिलिएशन के साथ सर सैयद की शख्सियत में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है, और वो है कि इन्होंने वाज़े अंदाज में मुस्लिम कौमियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कौमियत, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप मद्देनज़र रखेंगे कि कौमियत का लफ्ज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सर सैयद ना होते तो शायद मीर हसन भी ना होते, और मीर हसन भी ना होते तो इकबाल भी ना होते। तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पे जिन शख्सियात के पॉजिटिव असरात हैं इस दौर के, गालिब हैं और सर सैयद अहमद ख़ान हैं, इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपको मद्देनज़र रखना होगा। और मेरा ये जो सीरीज़ है इसमें बार 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 हज़रत इकबाल के रेफरेंसेस आएंगे, ये दबिस्तान इकबाल है, और मैंने अल्लामा की तालीमात के तसलसल के तौर पे इसका इंतखाब किया इस टॉपिक का। अब हम बहुत पीछे चले जाते हैं, आपको जहांगीर नज़र आते हैं, दरबार, ये आज से 300 साल 400 साल पहले का ज़माना है,
जब एक ख़ास अंदाज से मुसलमान बर्रसगीर पे काबज थे। मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े उनके ये अल्लाह के वली थे या क्या थे क्या नहीं थे, इनमें कमज़ोरियाँ भी थीं, सब कुछ था, ये नाम के मुसलमान थे या काम के मुसलमान थे, वट एवर, लेकिन इनकी मौजूदगी में जो बर्रसगीर के मुसलमान थे उनको एक इनहेरेंट एडवांटेज था, एक फ़ायदा था कि कम अज़ कम ऐसी हुकूमत नहीं थी बर्रसगीर में जो मुसलमानों को ख़त्म करने के दरपया हो या उनके दीन में कोई रुकावट पैदा करे। अगरचे मुसलमानों को कुछ एतराज़ात थे, अकबर थे, अकबर की बढ़ती हुई रवादारी ने थोड़ा सा मुसलमानों को डिसएडवांटेज पे डाल दिया था जो मुसलमान, लेकिन डिसएडवांटेज वो भी नहीं था, आप समझ लीजिए कि हिंदुओं को भी एडवांटेज और सिखों को भी एडवांटेज अकबर ने दिया, अदरवाइज़ मुसलमान एक एडवांटेज की पोजीशन में थे, उनकी अपनी तहजीब फ्लोरिश कर रही थी, उनका दीन फ्लोरिश कर रहा था। और अकबर ने जितना भी रिकंसिलिएशन की, रिलीजियसली आप कह लें, लैंग्वेज के एतबार से उसने कोई रिकंसाइल नहीं किया, और बर्रसगीर में कोई भी दीन हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, अकबर ने पर्शियन को लाजमी तौर पे स्टेट की लैंग्वेज करार दे दी। अभी जिक्र हो रहा था सेंट जेवियर का, सेंट जेवियर एक बहुत बड़े पादरी थे, उन्होंने ईसाइत की 32 की 32 किताबें फारसी में लिखी, साउथ इंडिया में होते, और अकबर के यहाँ जो 3 दिन आए उसने 3 दिन पर्शियन में खिताब किया, सिखों के उस वक्त के जो गुरु थे वो भी फारसी में लिख रहे थे, हिंदू भी, हिंदुओं की सारी किताबें, रामायण तर्जमा हो रही थी पर्शियन में, और हिंदुओं की जितनी भी आपको पेंटिंग्स मिलती हैं ये उन फारसी के कलमी नुस्खों में मिलती हैं जो उस दौर के उनके तर्जमे हुए हैं किताबों में, और हिंदुओं ने भी अपनी रामायण गीता को पर्शियन में पढ़ा उस वक्त। तो मतलब ये था कि पर्शियन के साथ मुसलमानों का एक एडवांटेज था, वो ये था कि हिंदू इतनी फ्लुएंटली पर्शियन नहीं बोल सकते थे, उनको दुश्वारी थी, बोलते थे, समझते भी थे, लेकिन दिक्कत का सामना था, और मुसलमान इंटेलेक्चुअली भी एडवांटेज में थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी एडवांटेज में थे। और आज मैं एक चीज़ बड़ी आपको हैरान को बताऊँगा, शेख अकराम के रेफरेंस से, रूदे कौसर के रेफरेंस से, कि अकबर के ज़माने में आर्मी के ऑफिसर्स में हिंदुओं की तादाद 8% थी, जो औरंगज़ेब के ज़माने में 11% हो गई थी। अब भी मुसलमानों का, गो के ये कहना थोड़ा सा है कि मुसलमान कौन थे, 66% के करीब जो ऑफिसर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन में, मालियात में और आर्मी में, वो अकबर के ज़माने में ईरान की पैदाइश थे, और उससे 50 बरस बाद शाहजहां के दौर में वो 33% थे, लेकिन अनदर 40% वो थे जिनके बाप या दादा ईरान से आए थे, परसेंटेज वही रही थी लेकिन वक्त के साथ साथ। तो मैं इस तहजीब को बता रहा हूँ कि ये एक तहजीब थी जब एब्सोल्यूट मुसलमानों का कंट्रोल था, अंग्रेज़ तजारती वफद के लिए आ रहे थे। अब इतना दिखाने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ूँगा आगे, मौलाना सलाउद्दीन अहमद ने एक किताब लिखी है तसव्वुरात इकबाल, बहुत पहले, उसका दिबाचा किन्होंने लिखा है, वो सैयद अब्दुल्ला ने लिखा है। आज मेरी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर अतिया यहाँ होती। सैयद अब्दुल्ला एक ऐसे बड़े स्कॉलर थे लाहौर में कि जो खपत की हद तक बगैर किसी लालच के, मैंने उनसे बड़ा स्कॉलर नहीं देखा, मैंने उनको लास्ट 78 में देखा पेशावर में रूमी कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, और वो अल्लामा इकबाल की चारपाई के पास बैठने वाले नौजवान थे जिन्होंने अल्लामा से बड़ा कुछ सीखा। सैयद अब्दुल्ला, आप इकबालियात का माहिर करार दें या कुछ करार दें, लेकिन मैं उन्हें हज़रत इकबाल का एक शागिर्द, डिसाइपल और क्लोज़ पैरोकार के तौर पे लेता हूँ।
अब वो लिखते हैं इस किताब के दिबाचे में कि खुदी का तसव्वुर इकबाल का सबसे बड़ा बल्कि वाहिद मरकजी तसव्वुर है इस किताब में जो वो कह रहे हैं। और सलाहुद्दीन ने क्या कहा खुदी के बारे में, ये बड़ा आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी एक शागिर्द है जिसका नाम है आलिया मेहर, वो है कसूर से, और उस बच्ची को मुझ पर एक एतराज़ है, कहती है कि अंकल आप सब कुछ बोलते हैं लेकिन सर आप खुदी पे नहीं बोलते। आज इस क्योंकि बात तो सर सैयद की हो रही है खुदी की, सेल्फ डिस्टिंक्शन की, तो उसके साथ आज मैं थोड़ा बहुत खुदी पे भी बताऊंगा कि मैं खुदी पे बोलता हूँ लेकिन उस वक्त बोलता हूँ जब मुझसे बुलाया जाता है। मेरा खुतबा है जिसके पूरा वो तफसील मौजूद है अबू धाबी की 1915 की, और आज से कोई डेढ़ पौने दो बरस पहले अमेरिका में एक खुतबा था खुदी पे, लेकिन मुझे कहा गया कि खुदी के बारे में बात। अमूमन मैं अगर ना कोई कहे तो मैं अवॉइड करता हूँ, अवॉइड मैं इसलिए करता हूँ कि इतना बड़ा मौजू है कि इस पे मुसलसल तसलसल के साथ बंदा बोलता चला जाए, और फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ बातों पे इख्तलाफात भी हों। मेरे लिए मुश्किल ये होता है कि जब हज़रत इकबाल की किसी चीज़ की मैं वजाहत करता हूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इकबाल के ख्यालात का तसव्वुर एक स्ट्रिक्ट किस्म के मौलवी के तौर पे बनाया हुआ है, और जब आगे पीछे हों तो वो बोलना शुरू हो जाते हैं, वो फतवा लगाने से डरते हैं। लेकिन मैं खुदी के अमूमन नहीं बोलता, खुदी के बारे में मेरा ये है कि शायद फ़लसफ़ा ये नहीं है, ये एक टर्म है। मैं हर चीज़ को टर्म इसलिए कहता हूँ कि कुरान में जो इंसान की पहचान अल्लाह ने दी है वो अल्लाह वल्लस्मा से दी है, और इकबाल ने भी अल्लाह वल्लस्मा का जिक्र अपने मुख्तलिफ अशार में किया है कि आदम को फरिश्तों पे बरतरी अस्मा के इल्म की वजह से है, और अस्मा इस टर्मिनोलॉजी, और इकबाल को भी आप नहीं समझ सकते जब तक आप टर्मिनोलॉजी को ना समझें। कुरान टर्मिनोलॉजी, अविस्तन टर्मिनोलॉजी, पर्शियन की टर्मिनोलॉजी, खुदी भी जो है वो एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी भी है ना, और इसके मफहूम बहुत वसी हैं। बू अली कलंदर से मैं लाता हूँ, लेकिन मैं आज खुदी ईमान के इस्तेहकाम का नाम है, और ईमान का मतलब है अलावा खुदा और रसूल के मर्द मोमन का अपने ऊपर ईमान लाना। और इकबाल कहते हैं कि मुनकर हक निजद मुल्ला काफिरस्त, मुनकर खुद निजद मन काफिर तारस्त। अल्लाह का मुनकर मौलवी के नज़दीक काफिर है, तो मेरे नज़दीक अपना मुनकर काफिर से भी बुरा है, एक दर्जा आगे है जो अपने आप पे ईमान नहीं लाते। जब तक अपने आप पे ईमान ना लाएं आप खुदा को फेस कर ही नहीं सकते, और ये चीज़ इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह ने रशीदुद्दीन सिद्दीकी को ख़त में भी लिखी है, और ये चीज़ उन्होंने उसमें भी लिखी है अपनी किताब में, ये रिकंस्ट्रक्शन में मूसा से हुशरफ्त भी एक जलवा ये सफ़ात तो ऐन ज़ात बिनगरी और दर तबस्मी हजूर के बाद खुदी की आखिरी जो मंजिल आखिरी मरहला जो है वो अपने आप पे ईमान लगाना, और सर सैयद की पूरी ज़िंदगी अपने आप पे ईमान लाने का नाम है। ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, सो ही मेड वे आउट ऑफ कियास। ये अगर आप जुमला लिख लें कि सर सैयद मेड ए वे आउट ऑफ कियास, मेड ए वे आउट ऑफ ए डिज़ास्टर, एंड ही यूज्ड ही डिज़ास्टर इन हिज बेनिफिट 1857 का। खुदी का तसव्वुर उस जज्बा मुसाबकत ने पैदा किया है, सलाहुद्दीन अहमद के अल्फाज हैं, जो अंग्रेज़ के मिटते हुए और हिंदू की बढ़ती हुई यलगार का नतीजा है। अल्लामा इकबाल के अक्सर खतूत और अक्सर तहरीरों में ये मौजूद है कि वो कहते थे कि मुसलमानों की तबाही जो 200 बरस में हुई है गुज़श्ता, कायद आज़म के नाम ख़त में भी उन्होंने लिखा है 200 बरस, साइमन कमीशन के सामने भी उन्होंने कहा है कि पिछले 200 साल से मुसलमान डबली डिसएडवांटेज में है, एक अंग्रेज़ों की गुलामी
और दूसरा हिंदुओं का मुआशी इस्तेहसाल। और इस दो चीज़ों ने मुसलमानों के अंदर ख़त्म कर दिया था उनके सेल्फ प्राइड को। और जब किसी कौम का सेल्फ प्राइड ख़त्म हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए, डिग्निटी ख़त्म हो जाए, अपने आप पे ईमान ख़त्म हो जाए, तो फिर वो कौम जो है वो कौम नहीं रहती, वो मिट जाती है। हज़रत इकबाल का सारा मैसेज अपने सेल्फ प्राइड को वापस लाना था। इसी को हम खुद ही कह सकते, और खुद ही का लफ्ज़ जो है कुरान के लफ्ज़ नफ्स से निकला है, नफ्स फी नफ्स से ही। और मैंने अरबों के अरबी के उस्तादों के साथ बैठ के कहा है कि वो कहते हैं नफ्स, नफ्स का बहुत ही वसी माना है। अरबों ने मुझे यही कहा, बहुत वसी माना। ये सेल्फ नहीं है, सेल्फ एसेंस भी उसमें आता है और सेल्फ डायमेंशन भी आते हैं। ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ आर फी नफ्स से ही। और कुरान को देखें ना, जब तालो ना, मुझे कुरान में साफ है, अल्लाह ताला ने जब मुबाले के लिए कहा है कि बुलाओ इनको अहले किताब को, उन्हें कहो कि अपने आप को ले ले आओ, अपने औरतों को ले आओ, अपने बच्चों को ले आओ, वह अनफुसना व अनफुसकुम, अपने अनफस को ले आओ, सेल्फ को ले आओ, और उनको कहो वो भी अपने सेल्फ को ले आए, अपने आप को नहीं ले आओ। मैं अपने आप को ले आऊँ और आ जा के हाथ जोड़ के अपने किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा कर दूँ, तो मैं अपने आप को तो नहीं लाया। जब मैं अपने नफ्स को लाऊँगा तो मैं सेल्फ प्राइड को लाऊँगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को लाऊँगा, सेल्फ डिग्निटी को लाऊँगा। ये है खुद ही अनफुसन। और इकबाल ने यही कहा, ज़िंदगी जहद तो इस्तेहकाक नीस्त, ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है, प्रिविलेज नहीं है, इस्तेहकाक नहीं है। यू डोंट गेट इट ऑटोमेटिकली, यू डोंट गेट इट, यू मेक योर वे आउट विद योर कंटिन्यू स्ट्रगल। ज़िंदगी जहद तो इस्तेहकाक नीस्त, जुज़्ब इल्म अनफसो आफाक नीस्त। अनफस नफ्स की जमा है, अनफस का इल्म और आफाक का इल्म। आफाक क्या है? होराइजंस हैं, फिजिकल साइंसेस हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग यू कैन टॉक, जो कुछ इस कायनात में हो रहा है ये इल्मुल आफाक है। अनफस जो मेरे अंदर हो रहा है, आपके अंदर हो रहा है, वो तो ये है नफ्स। बादियों नज़र में ये बात सरसरी मालूम होती है, मगर इज्तमाई अहवाल और तहरीक के सियासी मुफक्कर के लिए इन कलमात में ज़िंदा हकीकत पिनहा है। तारीख और वाक़ियात गिर्दोपेश अदब और फ़िक्र की नश्व नमा में जो हिस्सा लेते हैं, इससे इनकार करना जहल और नादानी के सिवा कुछ नहीं है। इकबाल ख़ुद तहजीबी और सियासी अवामल की एक मौजज़ाना मखलूक है। मैं मखलूक का लफ्ज़ की कहूँगा कि वो अल्लाह की मखलूक थे, इससे मैं डिसएग्री करता, बट ही वाज, आप जिसे उन्होंने कहने की कोशिश किया मुसन्नफ़ ने कि ही इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द हिज ओन, जो हालात थे उनके सरकमस्टांसिस थे, ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ द सरकमस्टांस, ये उन्होंने कहा है। और फिर कहते हैं गालिब को उनके गिरदोपेश ने गालिब बना दिया, और इकबाल को उनके सियासी माहौल ने इकबाल मंद बना दिया। इकबाल का मैंने अरूज, इकबाल मंद का मैंने साहिब अरूज, उस मकाम को जिसको आप इकबाल, जर्मनी के मशहूर मुफक्कर फख्ते की मिसाल हमारे सामने है। फख्ते को भी ये मनसब तफवीज़ हुआ था कि वह जर्मन कौम को यूरोप की हमसाया गालिब कौम की इंतशार अंगेज़ कुवतों से निजात दिलाने के लिए एक फ़िक्र, एक फ़लसफ़ा अपनी कौम के सामने पेश करें। फख्ते के फ़िक्र का पस मंज़र भी सियासी था, इकबाल के फ़िक्र का पस मंज़र यकीनन सियासी है। और बात है कि इस सियासी फ़िक्र की गायात अखलाकी और रूहानी भी हैं। इकबाल की सियासत अगर है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एथिक्स, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप ये तीनों पॉइंट देख लें, एथिक्स, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ वेयर इकबाल बिलीव इन द पॉलिटिक्स। है नहीं, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, वो ज़ैबी का 19 अप्रैल 29 2015 का
ये एक अखबार का तराशा था, उससे मैंने लिया है। तो उस वक्त भी अगर आप देखें कि खुदी के तसव्वुर पे, वो इसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बातें मैं आज कह रहा हूँ। और मैंने ये कहा है कि डू आई अवॉइड टॉकिंग ऑन फिलॉसफी ऑफ खुदी, यस टिल आस्क्ड टू स्पीक ऑन द टॉपिक इकबाल एंड खुदी माई लेक्चर इन ट्विंसबर्ग ओहियो यू एस, आई वॉज आस्क देयर, इट वॉज वेरी वेल अटेंडेड लेक्चर। उसमें मैंने बेस किया था खुदी हो जिंदा तो है फ़क्र भी शहनशाही, नहीं है संजरो तुगरल से कम शकोह फ़कीर, खुदी हो जिंदा तो दरियाए बेकरां पायाब, खुदी हो जिंदा तो कोहसार पर नियानो हरीस। यानी ऑल योर मिरेकल्स आर पॉसिबल, ह्यूमन मिरेकल, इफ़ यू आर सेल्फ अवेयर, इफ़ यू आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग। अगर आपको अपने आप पे ईमान नहीं है, आप शहनशाह हो के भी बैगर हैं, या नथिंग। अगर खुदी है, खुदी की जल्बतों में मुस्तफाई, खुदी की खलबत, जैसे कि तो खुदी की, और आगे गए जमीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। तो ये चीज़ें जब आपके जहन में आ जाएंगी, तो ये मैं ऐसे ट्विंसबर्ग का मैंने ऐसे चंद एक वो फोटो दी अमेरिका की। अभी दो दिन पहले मुझे बुलाया था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने, वहाँ भी मैं खुदी के ऊपर घंटा एक बोल के आया हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मैं खुदी पे बोलूँ, लेकिन जब बुलाया जाता है तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ। डॉक्टर उस दिन आई है मेरे साथ घर, मेरे डॉक्टर थिया, ये मैंने उनको एक अपनी किताब पेश किया, ये भी फिलॉसफी की किताब है, ज़्यादा साल के ज़्यादा इकान के नाम से। तो मैंने ये कहा मैंने फिलॉसफी पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और ये आलिया के कुछ चीज़ें थी, खुदी के वो मौजू है जिस पर मैंने आपको ज़्यादा बात करते देखा नहीं है, इसलिए ये सेशन खुश आयंद है। तो मैंने कहा थैंक्स, आई स्पीक बिट्स इन बिट्स एंड पीसेस। और फिर मैंने कहा मैंने आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर्स, लेकिन एक बात उस बच्ची ने कही है इसमें नीचे, आप भी एक्सपर्ट सर, और मैंने देखा है कि आपकी कैफियत खुदी पे बात करते हुए मुख्तलिफ होती हैं, ये उसका ख्याल था। और मैंने खुदी के अंदाज में कहा था यह मौज नफस क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है, खुदी क्या है राज दरून हयात। ये फेसबुक पे जो मैं उसको लिख रहा हूँ, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी जलवा बदमस्त तो खलवत पसंद, समुंदर है एक बूंद पानी में बंद, अंधेरे उजाले में है ताबनाक, मनो तू में पैदा मनो तू से पाक। और मैंने कहा बच्ची को कि आप इस पे देखो मौज नफस पे आओ, टाइड ऑफ दी नफ्स सेल्फ इन इट्स आइडेंटिटी। फिर उसने मुझे कहा कि डॉक्टर इफ्तिखार सिद्दीकी फरोग इकबाल में इकबाल के नज़रिया खुदी के बारे में रकम तराज हैं, नज़रिया खुदी हजरत इकबाल की फ़िक्र का मौजू बना रहा जिसके तमाम पहलुओं पर उन्होंने बड़ी शरह बसत के साथ रोशनी डाली है। इकबाल ने इब्तदाई में इस बात को वादे कर दिया था कि खुदी से मुराद गुरूर और नखवत हरगिज़ नहीं, और इससे मुराद इरफान नफ्स और खुद शनासी है अनफुज। लका जाओकुम रसूल मिन अनफुसिकुम, वी हैव सेंट ए प्रॉफिट, आपके नफस में से भेजा, आपके अनफास में से भेजा, सेल्फ डिस्टिंक्शन के साथ। और फिर जहाँ भी आप नफस का लफ्ज़ आएगा कुरान में, और मैंने कहा कि नफस का मैंने क्या अरबी में, शख्स ह्यूमन बीइंग एज एन इंडिविजुअल करेक्टर ऑफ पर्सन एज प्रेजेंटेड टू अदर्स, सो द अरेबिक वर्ड नफस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू खुदी, यू मे फिलोसफिकली डिस्कार्ट इट डिफरेंटली बट अरब्स टेक इट ऑलमोस्ट इन द सेम वे एज अ खुदी। और उसने खैर ये मैं आपको जरा थोड़ा सा शेयर कर रहा था, और ये शेर मैंने उसको कहा था कि इन पे गौर करो इकबाल के, इन बंदे राह के बे बा नफस दीगरा न जीस्त। इकबाल ने अल्लाह से एक दुआ की है
कि हर इंसान की अपनी खुदी होनी चाहिए, किसी की गैर की खुदी का सहारा ना ले। एक्टर होते हैं ना, हरीम तेरा खुदी गैर की माज़ अल्लाह, इकबाल कहते। दोबारा जिंदा ना कर कारोबारे ला दो मनात, ते जिस्म तेरा है खुदी किसी और की है, माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगो और दोबारा जिंदा ना कर कारोबारे ला दो मनात। ये इकबाल कहते हैं। और इकबाल क्या कहते हैं, इन बंदे रा के बा नफ़से दीगराना ज़ीस्त, ये आह खाना ज़ात मसाले सहर पे दे, ऐ अल्लाह वो बंदा जो दूसरों के नफस के साथ जिंदा नहीं रहा। दूसरों का नफस क्या है? आप इस तरह अंग्रेज बन जाएं कि अपने आप को मिटा दें अपनी हैसियत, या अपने आप को इतना हिंदुआइज कर दें कि आपकी अपनी डिस्टिंक्शन ख़त्म हो जाए। नफस दीगरान, तो इकबाल कहते हैं वो बंदा जो दूसरों के नफस के साथ जिंदा नहीं है, सेल्फ प्राइड है उसमें, एक आह खाना आज़ाद, एक उसके घर की अपनी आह, मसाले सहर बदे, सहर के तरह की वो आ दे, वो सहर जिससे लरजता है शबिस्तान वजूद होती है बंदा है मोमन की अजान से पैदा। और इकबाल ने फिर जावेद नामा में जब अपने बेटे को एड्रेस किया है आखिरी नज़म में, तो क्या कहा है लाइला का, असले उरा अज निगाहे मन बेगीर, या ज आहे सुबह गाहे मन बेगीर, मेरी सुबह गा की आह से तुम देखो। और इकबाल कहते हैं सैलम मराओ बेजू ये तनक माओ याई म पीच, जूलान गही बे वादियो कोह कमर बे दे, सैलम मैं एक सैलाब हूँ, ए अल्लाह मुझे एक छोटी सी नदी के अंदर ना डाल के पेचो ताब में डाल दे, लेट मी फ्लो लाइक ए फ्लड, टेक ओवर एवरीथिंग, डोंट पुश मी इन द स्मॉल रेविन एंड स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, पहाड़ के अंदर जो छोटी सी बड़ी तेज चल रही होती है नदी, उसके अंदर ना डाल। जूलान गही, जूलान गा क्या कहते हैं, जूला किसको कहते हैं, वो जुलाए का नहीं होता जूला जिससे जुला निकला हुआ है, हरकत तेजी से जो हरकत है उसको जूलान कहते हैं। जूलान गई, मुझे हरकत के लिए एक मैदान अदा कर दे, बे वादियों को हो कमर बदे, वादियों के अंदर पहाड़ों के अंदर और कमर के अंदर। और फिर इकबाल का हरीम तेरा खुदी गैर की माज़ अल्लाह, दोबारा जिंदा न कर कारोबार ला तो मनात। बहुत उसके बाद इन हजरात, फिर मैं सलाउद्दीन अहमद पर आता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि जदीद दौर में क़यादत की 5 कैफियतें हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद अली जौहर, इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना। आप मुझे ये बता दें, ये 5 शख्सियात जिनका मैंने नाम लिया है, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 पर्सनैलिटीज इफ़ यू टॉक ऑफ योर रीसेंट हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स। कहते हैं इन कैफियतों में फिक्री रहनुमाई का कामल नमूना फिक्र इकबाल है। अब इनसे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, लेकिन ये साथ साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता चलाऊँगा। सर सैयद की रहनुमाई अकल पसंदी और मसलहत की जंजीरों में मुकैद थी। ये क्यों उन्होंने कहा? अगर सर सैयद भी उसी ताकत के साथ टकरा जाते तो 1857 में हजरत मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने कहा था अपने साथियों को, 1857 से 2-3 साल पहले वार्न किया था कि तुम जिस रास्ते पे चल पड़े हो ये तबाही और बर्बादी क्या, तुम अंग्रेज़ों से टकरा के सारे ख़त्म हो जाओगे। मिर्ज़ा साहब कहते रहे, नवाब ऑफ रामपुर को मशवरे देते रहे, नवाब ऑफ रामपुर ने सुन ली, जिन्होंने नहीं माना तो मिर्ज़ा साहब के करीब तरीन साथी मौलाना सदरुद्दीन आज़ुरदा तख्तादार पे लटका दिए गए। मौलाना फजले खैराबादी बाद सेंट टू काला पानी, और मौली मोहम्मद बाकर जो मोहम्मद हसैन आज़ाद के फादर थे और उर्दू अखबार निकालते थे दिल्ली से, तख्तादार पे लटका दिए। सारे लोग तख्तादार पे लटक गए, गालिब बच गया, लेकिन वो सिर्फ दास्तान कहने के लिए बचा
सर सैयद अहमद खान भी जो हैं वो भी अगर अकल पसंदी और मसलत की बात करते हैं तो आप ये कह लें कि ही सेव्ड हिमसेल्फ इन दी वर्स्ट एनवायरमेंट्स। मोहम्मद अली की फिर वो कहते हैं मोहम्मद अली जो है ना ये जौहर उनकी रहनुमाई शख्सी और ज़ाती अफराद और तफरीद की असीर रही। तहरीक खिलाफत सबको पता था कि तहरीक खिलाफत का जो मकसद है इट वॉज बाउंड टू फेल। कायदे आज़म भी ये कहते थे और इकबाल ने तो कह दिया था कि नहीं तो उसको तारीख से आगही क्या, खिलाफत की करने लगा है गदाई, खरीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो बादशाह। कि अंग्रेज़ों ने इतनी मेहनत करके मिल मिला के फ्रेंच के साथ अमरीकियों के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार जो तुर्कों का सत्यानाश किया है वो तुम्हारे जलसों जुलूसों के बाद वो उसको बहाल कर देंगे। ये इकबाल पूछ रहे थे ना आपसे। हाली की रहनुमाई सर सैयद की खुश आइंद मगर सुस्त फिक्रे तकलीद में फंसी रही। हाली ने अपना काम किया लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। कायदे आज़म एक अमली रहनुमा थे, उन्होंने अपनी कानूनी मंतक को अपनी इस्तकलाले मिजाज से हम आहंग करके इस दस्तूरुल अमल को कामयाब कराया जो इकबाल ने पेश किया। इकबाल की रहनुमाई का मसला अहम है, यहाँ ये जिक्र करना ज़रूरी है कि इन तारीखी अवामल का नुक्ते आगाज़ क्या है। यूँ तो कुरान और सुन्नत और उस्वा रसूल ही हमारी तारीख का सरचश्मा है, इसी से हमारी कौमियत और इसी से हमारी तहजीब और उसी से हमारे अफकार व उलूम व हयात इज्तमाई का आगाज़ होता है। इकबाल का एक करीबी अहद माजी में था और इकबाल ने रूहानी रहनुमाई दो रहनुमाओं से हासिल की, रूमी से और मुजद्दद अलफसानी से। सर सैयद की रहनुमाई मुल्की मुआमलात में एक जुज़वी दस्तूरुल अमल की हद तक बड़ा मानी रखती है, इस महदूद दायरे के सिवा फ़िक्र इकबाल का अफकार सर सैयद से कोई तरह। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। इकबाल बराए रास हज़रत मुजद्दद से मुंसलिक हैं और इसी दीनी इनकलाब के दाई हैं जो हज़रत मुजद्दद के पेश नज़र थे। इकबाल का और सर सैयद का ये फ़र्क था कि इकबाल है किसी कंप्रोमाइज़ और मसलहत के कायल नहीं थे और वो अपने असूलों पे हमेशा हमेशा डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। ये बड़ा खूबसूरत एक जुमला है जो उन्होंने कहा कि इकबाल पर बाद नादान लोगों को हमेशा ये एतराज़ रहा है कि वो अमली सियासत में क्यों हिस्सा नहीं लेते। इसका जवाब उन्होंने एक मौका पर ख़ुद भी दिया था, ये उकदा हाय सियासत तुझे मुबारक हो, हज़ार शुक्र नहीं है दिमाग फितना तराश। ये बांगे दरा की नज़म एक ख़त के जवाब के दो मुख्तलिफ मिसरे हैं। हज़ार शुक्र तबीयत है रेज़ा कार मेरी, हज़ार शुक्र नहीं है दिमाग फितना तराश। ये उकदा हाय सियासत तुझे मुबारक हो कि फैज़ इश्क से नाखन मेरा है सीना खराश। ये है जो मैंने कहा है कि इकबाल मसलहत के कायल नहीं थे, जिस चीज़ पे उनका ईमान था वो उसको कहते थे, क्या गुज़रते थे और इससे उनको परवाह नहीं होती कि उसका क्या नतीजा निकलेगा। और यही वजह है कि कायदे आज़म ने उन खतूत में जो कहते थे इकबाल के खतूत हैं उसके दिबाचे में लिखा है कि सियासी अमूर पे बहुत सारी जगहों पे मेरा अल्लामा से वाज़ेह इख्तलाफ था लेकिन हालात ने साबित किया कि वो ठीक थे और मुझे वो अपने ख्याल बदलना पड़े। इकबाल ने अपने ख्याल नहीं बदले, डट के कहा। इकबाल कुदरत से एक दानाए राज, एक मुफक्कर और एक आरफ का मुकद्दर लेकर आए थे। जो मनसब उन्हें तफवीज़ किया गया था इसमें खलवत गजीनी, गौर व फिक्र, मराकबा और तफक्कर लाजमी थे। फ़िक्र के मोती खलवत की गवासी से हाथ आते हैं, शख्स फ़िक्र शेर भी इसका मुतकाजी होता है और हिकमत इरफान तो दिल के बहरे अमीक में गोता लगाए बगैर दुश्वारी से हाथ आते हैं। सलाउद्दीन अहमद ने यह नुक्ता इतनी खुश असलूबी और तर्द दिलगुशा में अदा कर दिया है कि पढ़ने वाले के लिए इसको जज्ब करने और समझने भी लुत्फ महसूस होता है। ये लफ्ज़ किन के हैं जो मैं, ये हैं सैयद अब्दुल्ला के अल्फाज और ये। अब हम आते हैं
मौजूद ख़वातीन हज़रात इन दो शख्सियात की तरफ। ग़ालिब सर सैयद से 17 साल बड़े थे। ग़ालिब आगरा की पैदाइश थे, सर सैयद दिल्ली की पैदाइश थे। सर सैयद का फ़ख्र था सैयद होने पे, उनका फ़ख्र था मिर्ज़ा होने पे कि मैं समरकंद के शहज़ादों की औलाद से हूँ। जबकि इकबाल कहते हैं यूँ तो सैयद भी हो, ठीक आपने बिल्कुल बेटे आपने बिल्कुल सही कहा। तो इकबाल कहते थे ये सारी चीज़ें जो है ना, कहते थे मैं अजल का सो मनाती, मेरे आबा अल्लाह लाती हो मनाती, मैं पक्का काफर हूँ, काफरों की औलाद से मैं मोमन हुआ हूँ, नया नया दई काफर की दीदम दर वादी बता मस्त। मैंने रात को एक छोटे से काफर को देखा अपने बारे में कहते जो वादी बता में मस्त। इकबाल डिडंट टेक एनी प्राइड इन जीनियालॉजी, इन दोनों का प्राइड जीनियालॉजी थी इन दोनों की, इसमें कोई शक नहीं। गालिब जो थे वो मिर्ज़ा से इनसे सर सैयद से सैयद अहमद ख़ान से 17 साल बड़े थे, और गालिब की जो किताबें थी शुरू शुरू में वो सर सैयद अहमद ख़ान के बड़े भाई की प्रेस में छपी थी, और ख़ानदान के ताल्लुकात इतने करीबी थे कि मिर्ज़ा साहब से उनकी मुलाकात होती रहती थी सैयद की, और वो उसको चचा जान कहते थे। तो वाकई वो उनका चचा गालिब था, हम तो वैसे चचा गालिब कहते हैं, लेकिन इन दोनों की अगर शख्सियात देखें तो ये एक पुरानी रवायती तहजीब का अलम्बरदार नज़र आता है, और वहाँ वो रिकन्सिलिएशन नज़र आती है कि मिर्ज़ा साहब जो सर सैयद का कोट था फ्राक नमा, वो उन्होंने जो ही जब चेंज आई है उनमें तो उन्होंने अडाप्ट किया था जो अंग्रेज़ी लिबास के करीब तरीन तरीका हो सकता था, और सर पे उन्होंने रोमन टोपी पहनी थी जो अभी यूरोप में मुतदावल थी, और ऊपर अंग्रेज़ों के तमगे भी और मेडल्स भी थे। ये एक आप ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये एक ट्रांजिशन थी जिस ट्रांजिशन से लोग गुजर रहे थे आगे बढ़ रहे थे। और सर सैयद और गालिब का जहाँ तक ताल्लुक है, अभी तक सर सैयद की नज़र हिंदुस्तान के माजी पर थी, दोनों की, सर सैयद की भी थी, मगरब के साइंसी अलूम और मादी तरक्की पर उनकी नज़र अभी तक नहीं जा रही थी। दिल्ली कॉलेज में इस जानब खासी पेशरफ्त हो रही थी, लेकिन सर सैयद अब भी इस जानब मतवज्जो नहीं थे अपने बचपन में। 1855 में आइन अकबरी की तदवीन करने के बाद अब वो अभी तक फारसी पढ़ रहे थे, पुरानी तब की किताबें पढ़ते थे, पुराने मैथ पढ़ते थे, और आइन अकबरी क्या है, अबुल फजल ने एक किताब लिखी है फारसी में जिसमें अकबर के ज़माने की सारी रवायात और रस्म व रवाज को उन्होंने बयान किया। मैंने भी थोड़ा सा हिस्सा उसका पढ़ा था एक अपने मुंशी फाजल के ज़माने में, सूबा लाहौर के बारे में जो चैप्टर थे वो मैंने पढ़े थे। अब आइन अकबरी जो है, आइन का लफ्ज पे मैं अभी बहस करूँगा, आइन क्या है मौजूद खवातीनों हज़रात, आपका आइन है कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं इसकी तय पे जाऊँगा, आइन होता क्या है, इकबाल की नज़र में आइन क्या है, गालिब की नज़र में और हाफिज़ की नज़र में आइन क्या है। आइन अकबरी जो थी अकबर के दौर की, जो अबुल फजल ने लिखी थी, गालिब इन्होंने सर सैयद ने निकाल के उसको एडिट किया, उस पर हाशिए लिखे और बाबा जी को दे दी मिर्ज़ा गालिब को कि आप इस पर तकरीर लिखें। गालिब ने लिख दी, सर सैयद को अच्छी नहीं लगी, सर सैयद ने किताब छाप दी, गालिब की मेहनत की तकरीर जो खूबसूरत तकरीर थी शेरों में वो गायब कर दी, और मिर्ज़ा गालिब नाराज़ हो गया सर सैयद से कि इस मेरे भतीजे ने मुझसे इतनी मेहनत करवा के ये क्यों नहीं छापी। अब मैं थोड़ा सा आज आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊंगा। वो फरमाते हैं कि तकरीज़ क्या है, इनके हर तसी आइन राय उस्त
ننگو آرے ہمت والا یوست، ہر ایک آئین کو تصحیح کرنے کا، اس کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے سید احمد خان نے. اللہ نے جو اس کو ہمت والا عطا کی ہے، بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل رکھے ہیں، یہ اس کی توہین کر رہا ہے. پرانی کتابیں نکال نکال کے ان کو تصحیح کیا جا رہا ہے، فضول وقت ضائع کر رہا ہے. یہ غالب کہہ رہا ہے کس کو؟ سید احمد خان کو. برچن انکاری کے اصل شین بود، ان ستائش کش ریا آئین بود. ہر چنین کاری ایسا فضول کام جس کی اصل یہ ہو، اس کی وہی تعریف کر سکے گا جس کا آئین ریاکاری ہے. پھر کہتے ہیں گربدین کورش نگویم آفرین، جو یہ اندارت کے جو یہ آفرین. کہتے ہیں میں تمہیں کوئی آفرین شاباش نہیں دیتا اس کام پہ، بلکہ مجھے شاباش دو، میں تمہیں اس کام سے روک رہا ہوں. اور مرزا صاحب کہتے ہیں قسم خرباشی بگیتی ان متا خاجے راچے بود امید انتفا. قسم خر اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا، یہ جو معلوم دولت کٹھی کر رہا ہے آئین اکبری کی، اس کتاب نو کسی بھی نہیں پڑھنا. اور یہ مجھ میں بھی صادق ہوتا ہے، میں ہر روز ایک غزل لکھتا ہوں فارسی میں، مجھے پتہ کسی نے نہیں پڑھنی، پیسے ضائع کر، لیکن لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اس مال دولت کو کسی نے نہیں خریدنا، اور پھر جب یہ کتاب بکے گی نہیں تو تمہیں کوئی کسی منافع کی توقع نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں غرض آگے دیکھو غالب کا اور سر سید کا. سید احمد خان ابھی بھی کنزرویٹو ہے، لیکن غالب ماڈرن ہو چکا ہے. غرض آئین میر بات باما سخن چشم بگوشاؤ اندرین دہرے کون. اے کہ تم مجھ سے آئین کی باتیں کرتا ہے اس پرانے مندر میں، اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ. صاحبان انگلستان را نگر، شیوا و انداز اینان را نگر. انگلستان کے صاحبوں کو دیکھ، ان کا شیوا، ان کی حرکتیں، عادتوں کی طرف دیکھ کہ کیا ان کا سٹائل ہے. تاچی آئین ہا پدیدہ بردہ انچے ہرگز کس نہ دیدہ بردہ. وہ ایک نئے آئین کو لے آئے ہیں اور اس آئین کی بنیاد پہ لوگوں کو وہ کچھ دکھا رہے ہیں جو لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. زن ہنر مندان ہنر بیشی گرفت، سائے بر پیشی نیان پیشی گرفت. یہ جو انگریز ہنر مند ہیں ان کا ہنر جو ہے وہ بڑا ترقی کر کے آگے چلا گیا ہے. ساری ان کی کوشش، ان کی سٹرگل جو ہے اس کی وجہ سے وہ پہلے لوگوں کے اوپر سبقت لے گئے ہیں. ہم ابھی تک کنزرویٹو ہیں، بیکورڈ ہیں، وہ انڈسٹریلی آگے چلے گئے ہیں. حق کے ان قوم است آئین داشتن، کس نی عورت ملک بے دین داشتن. اسی قوم کا حق ہے کہ وہ آئین رکھے، کانسٹیٹیوشن بنائے. اور کس نے عارض ملک بے زنداشتن، اور یہ ملک ان سے بہتر کوئی بھی نہیں چلا سکتا. یہ غالب کہہ رہے ہیں. داد و دانش را بہم پہ وستاند، ہندرا صد گونا آئین بستاند. انہوں نے انصاف اور عقل و دانش کو اکٹھا کر دیا ہے اور ہندوستان کو 100 آئین عطا کر دیے ہیں. آتشی کا سنگ بیرون آورند، ان ہنر مندان سے خاص چناورند. انگریز جو آگ پتھر کے اندر سے نکال لیتے ہیں، یہ ہمارے ہنر مند جو ہیں وہ خس و خاشاک سے کیسے باہر نکالیں گے. تاج افسون خاندان دین براب، دودھ کشتی راہ میران دراب. ان لوگوں نے تو پانی پہ ایسا جادو کر دیا انگریزوں نے کہ آج ان کے بحری جہاز جو ہیں وہ موجوں پہ چلنے کی بجائے اور کپڑوں کے ساتھ چلنے کی بجائے آج ان کی کشتی جو ہے وہ باپ کے انجن سے چل رہی ہے. دودھ باپ کشتی راہ میران دراب. کہ دکان کشتی بے جوہن می براد، گہ دکان گردوں بے ہامن می براد. کہتا ہے کہ کبھی کبھی تو اسی باپ کے ساتھ کشتیاں ان کی دریا جیہوں میں چل جاتی ہیں، اور کبھی کبھی آسمان اتر کے ڈیزرٹ میں آ جاتا ہے. از دکان زورک برفت آرام دے، باد و موجن ہر تو بے کا آرام دے. آج ان کی بحری جہاز باپ کے انجن سے چل رہے ہیں، آج ہوا بھی ناکام ہو گئی ہے، سمندر کی موجوں بھی ناکام ہو گئی ہیں. ہر دو بے کار آن گئے، دونوں بے کار ہیں. نغمہ بھی زخم از ساز آورند، حرف چن طائر بے پرواز آورند. وہ بغیر ساز کے نغمے، بغیر کسی زخمے کے جو تھوڑا ساز کا ہوتا ہے، یعنی گراموفون سے ان کے گانے آ رہے ہیں، اور حرف چون طائر پہ پرواز ہے، اور الفاظ جو ہیں وہ پرندوں کی طرح اڑا رہے ہیں. ٹیلی گرام کے ذریعے ان کے الفاظ جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں.
इन नमी बीनी के इन दाना करो दर्द दम आरंद हरफत सद करो। तुम्हें पता है कि ये जो दाना करो है अंग्रेज़, ये एक लफ्ज़ को सैकड़ों मीलों तक एक लम्हे में पहुँचा देते हैं। ये कौन कह रहा है जिसके बारे में हम कहते हैं कि जी वो उसको तो पता ही क्यों नहीं था, तो वो तो बिल्कुल शराब पी के मस्त था। कहते हैं आगे चल के उसको मशवरा देते हैं, जिस मशवरे पे अमल करके सर सैयद बनते हैं। सैयद से मशवरा क्या देता है, बाबा रोबे लंदन कंदनन रक्षण दे भाव शहर रोशन गश्ते दर शब्बी चिराग। लंदन जाके देख, वहाँ चमकते हुए बागात हैं और रातों को बगैर चिराग जलाए शहर रोशन हो गया, बिजली के बल्ब लगे हुए हैं, चिरागों की ज़रूरत नहीं रही। और कारोबार मर्द में होशियार बीन दर हर आइन सदनो आइन कारबीन। इन होशियार लोगों का कारोबार जो है वो देख, और हर एक आइन के अंदर छुपे हुए सौ सौ नए आइन देख ले। पेशे इन आइन के दारद रोज़गार कश्त आइने दिगर तकवीम पार। ये आइन जो अंग्रेज़ ले आए हैं, जितने पुराने आइन हैं वो माजी की जंतरियाँ और कैलेंडर बन गए हैं। फेंक दो उनको, अकबर के कैलेंडर को फेंक दो, जहांगीर के कैलेंडर को, अब किसी काम के नहीं रहे। चुन चुनिन गंजे गोहर बीनत कसी होश जन खिरमन चरा चीनत कसी। जब इतने खूबसूरत हीरे और जवाहरात के ख़जाने तुम्हारे सामने हैं, तो फिर क्यों तुम इस खिरमन के अंदर से किसी खलिहान में से गंदम के दाने तलाश करोगे। मुर्दे परवर्दन मुबारक कार नीस खुद बगू का नीस जो गुफ्तार नीस। मुर्दों को कब्र से निकाल निकाल के दोबारा पालना को अच्छा काम नहीं है। तू खुद बता दे कि ये सारी बातें गुफ्तार के सिवा कुछ भी नहीं है, बेकार किस्म के आइन है। गालिब आइन खामोशी दिल का शस्त गर्चे खुश गुफ्तन न गुफ्तन हम खुश हस्त। गालिब बेहतर है कि खामोशी का आइन अपना लूँ, क्योंकि कुछ ना कहना कहने से बेहतर है। अब ये तकरीर लिख के दो तो सर सैयद ने छापनी थी। अब सैयद अहमद खान ने कहा कि चाचे ने ऐसी नई बातें कर दी हैं। चाचा भी फारसी गो है, वो भी फारसी, उसने नहीं छापा। चाचा नाराज़ हो गया। मुरादाबाद में सैयद अहमद खान मुलाजमत करते थे कि मिर्ज़ा गालिब आके नवाब यूसुफ़ अली ख़ान मरहूम से मिलने रामपुर आए थे और मुरादाबाद के एक होटल में सराय में ठहरे हुए। सैयद अहमद खान ने मिन्नत की चाचे की और मिन्नत करके घर ले गए। कहा चाचा जी बुज़ुर्ग आदमी हो, आप क्यों किसी होटल में ठहरते हैं, मेरे साथ घर चले। मिर्ज़ा साहब चले गए, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने सर सैयद को थोड़ा सा तंग करने के लिए शराब की एक बड़ी सी बोतल ओपन जगह पर रख दी। मिर्ज़ा साहब को मिलने के लिए सारे लोग आ रहे थे कि मिर्ज़ा साहब आए हुए हैं, और आगे शराब की बोतल सर सैयद के टेबल पर पड़ी हुई। सर सैयद ने उठाई बोतल, पीछे ले जा के छुप के कोठरी के अंदर रखा है। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि इधर कोई चीज़ पड़ी हुई थी, वो किधर चली गई। उन्होंने कहा चाचा जी अंदर आए, उधर पड़ी हुई है। अंदर गए मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं लगता है कि थोड़ी सी को खयानत हुई है। सर सैयद ने दाढ़ी पे हाथ फेरा, उसने कहा कि मैं खयानत, मैं तुम्हारा ख्याल है, मैं पीऊँगा। हाफिज़ का शेर पढ़ा, वाहेजन किन जल पे बर महराब मिम्बर मी कुनंद चुन बे खलबत मीर वंदन कारे दीगर मी कुनंद। बड़े बड़े मौलवी जो है ना, ये महराब के नीचे मिम्बर के ऊपर बड़ा जलवा दिखाते हैं, लेकिन जब खलबत में जाते हैं तो कुछ और ही काम करते हैं। अब हाफिज़ के शेर के बाद सैयद अहमद खान दम खुद होकर मिर्ज़ा साहब को गले लगा लिया। मिर्ज़ा साहब ने मुँह चूम लिया और चाचे भतीजे का सुलह हो गए। एंड दिस वॉज द ट्रांजिशन। जब सैयद अहमद खान वाज कन्विंस्ड कि उसको अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना, ये है एक फैक्टर जो मैंने आज आपको बताना था। आइन है क्या? आइन के फारसी की डिक्शनरियों में मानी ये हैं, जिस जबान का लफज है, सीरत रस्म तबा आदत आदाब। ये दाब कर आइन शीमा रवश हुल्क खसलत, यानी जिसे आप समझ लें कि आपकी आदात और ट्रेडिशन जो है उसको आइन कहते हैं। इसीलिए अंग्रेज़ कहते हैं आइन को लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं। मैंने एक बाबे अंग्रेज़ से पूछा जो यहाँ ब्रिटिश आर्मी में कर्नल था,
मेरा चाचा बना हुआ था, 1992 में फौत हुआ है। हमेशा अंकल मुझे कहता था, उसकी बेटी मेरी क्लास फेलो थी यूके में, तो चाचा जी को मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन आप लिखते क्यों नहीं। उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेशनल मेमोरी है, और अगर कोई इंसान 6 फुट का सेहतमंद हो, उसके दिमाग से मेमोरी निकाल दी जाए तो इंसान बेकार हो जाता है। अगर किसी कौम की मेमोरी निकाल दी जाए और किताबें लिख के उसके सामने रख दी जाएँ तो वो कौम बेकार हो जाती है। कौम को आइन को लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, उसके दिमाग में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आइन। अब फिरदौसी ने आइन को क्या कहा है, मदन रॉ ये जुज बाखिरत मंद मर्द आइन शाहान पेशीन मगर। किसी अकलमंद इंसान के अलावा किसी की राय ना लेना, और अगर बात करनी है तो पुराने बादशाहों के आइन के मुताबिक चलो। दरो दानशो हुशो राइस तो फर बराई ने शाहान पीरूजगर। वो आइन की बात करते हैं बार बार, आइन शहनशाह की बात करते हैं। आप देखें फिरदौसी के नज़दीक आइन क्या है, किंग्स के जो असूल हैं या असलूब हैं बादशाहों के, प्रोटोकॉल और रस्म और रवाज, उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें उन आदाब को, तो वो है आइन। ये फिरदौसी कहता है। और निज़ामी कहता है चुबशकस्त अज हीर बद पुश्तरा बरंदाख्त आइन ज़रतुश्तरा। वो कहता है जब हीर बद को मारा उन्होंने तो आइन ज़रतुश्त की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। आइन ज़रतुश्त क्या है, मजहबी आइन। इस्लाम से पहले का आइन ज़रतुश्त, आइन मोहम्मदी, आइन ज़रतुश्त यानी रिलीजियस इल्म जो है, रिलीजियस भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है जो प्री इस्लामिक पर्शिया में था। और आगे कहते हैं हाफिज की ये पूरी गज़ल ना पढ़े, एक शेर है कि गुफ्तगू आइन दरवेशी ना भूत वरना बातू माजरा हा गाश्तीम। दरवेशी के आइन के ख़िलाफ़ था कि मैं गुफ्तगू करता, वरना मेरे पास भी तुम्हें कहानी सुनाने के लिए बड़ा कुछ था। अब एक पेज पे मैंने आपको बता दिया कि आइन शहनशाही भी होता है, आइन दरवेशी भी होता है, और आइन ज़रतुश्ती भी होता है। इकबाल का आइन क्या है, अब हम आइन पे आते हैं। इकबाल कहते हैं लाले पहम सूखतन कानून ऊ बरजहद अंदर रगे ऊ खून ऊ। जो लाला का फूल मुसलसल जल जल के सुरख हो जाता है, यही उसका आइन है कि वो जलता रहे और अपने अंदर रंगों को पैदा करे। ये लाले का आइन है। कतरहा और कहते हैं बरजहद अंदर रगे ऊ खून ऊ, उसी जो उसकी रगों के अंदर खून दौड़ रहा होता है लाले बरगे गुल में, ये उसका आइन है। कतरा दरिया उस्ताज आईने वसल, जर्रा सहरा उस्ताज आईने वसल। कतरे अगर समुंदर का हिस्सा बन के इकट्ठे होके समुंदर बना देते हैं, ये उनका आईन है जज्बे बाहमी। और अगर जर्रे एक सहरा बना देते हैं, ये उनका आईन है जो उनको इकट्ठा करता है। बात ने हर शह जयाईनी कवि, तू चरा गाफल अदीन सामान रवि। हर चीज़ का बातन आईन की वजह से मजबूत है, और तू क्यों इस आइन से गाफिल होके जा रहा है। बाज़ई आज़ाद दस्तूर कदीम, ज़ीनत पाक उन हमन जंजीर सीम। ऐ पुराने दस्तूर और कदीम दस्तूर से बेखबर, दोबारा इस चांदी की जंजीर अपने पाँव पे डाल के आइन के पाबंद हो जाओ। और इकबाल का आइन है शिकवा संजय सख्ती आइन मशो, अज हदूद मुस्तफ़ा बैरून मशो। आईन की सख्ती का कभी शिकवा ना करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई लिमिटेशन से, लिमिट से कभी बाहर ना निकलो। इकबाल का आईन है वो लिमिट्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दी हैं, ये है आईन। फिर इकबाल का आईन जब वो जिक्र करते हैं अस्माए अली का, हर भाई दून हिम्मतान की नस्तो बस जिंदगी रा इन ये आइन अस्तो बस। जो जलील किस्म के लोग हैं जिनकी हिम्मत बड़ी कम है, वो कीने और भुगत को बात करते हैं,
लेकिन हम जिस आइन की बात करते हैं, एक आइन वो मुस्तफ़ा का है या मुर्तज़ा का है, मौला अली का है। ज़िंदगानी कुव्वत पैदास्ती असलहू अज़्ज़ौक अस्ती लास्ती, ज़िंदगी जो है वो अपनी कुव्वत को मैनिफेस्ट करने का नाम है। और उसकी असल क्या है? टू डोमिनेट। मुझे बच्चों ने परसों पूछा यूनिवर्सिटी में कि आप कहते हैं कि खुद परस्ती, मैंने कहा खुद परस्ती खुदी का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं खुद नुमाई, तो मैंने कहा खुद नुमाई खुदी का हिस्सा है। कहते हैं क्यों? मैंने कहा खुद नुमाई का मैंने सेल्फ मैनिफेस्टेशन, टू शो योर हिडन एनर्जीज टू आउटसाइड। कुरान कहता है सीमा उम्फी वजूह मिन आसार सजूद, मोमन की ये निशानी है कि उनके पेशानियाँ सजदे के निशान से चमक रही हो। इट शुड बी मैनिफेस्टेड ऑन योर फेस, इट शुड बी। और इकबाल कहते हैं ला इलाहा कोई बेकू अज़रुई जान ताज़े अंदामे तो आयत बुई जान, ला इलाहा कहना है तो अपनी जान के मुँह से कहो ताकि तेरे जिस्म के एक एक अंदाम से ला इलाहा की खुशबू आ जाए। सेल्फ मैनिफेस्ट। और फिर इकबाल कहते हैं मुर्सले हक कर्द ना मशबूत राब, हक यदुल्ला खान दर उम्मुल किताब। अल्लाह के रसूल ने उसे बूतराब कहा है, मट्टी का बेटा, लेकिन अल्लाह ने कलामे इलाही में उसको अपना हाथ कहा है। और फिर फरमाते हैं कायनात आइन पजीर दूदाश, कुव्वत दीने मबीन फरमुदाश। कायनात जो है उसके खानदान से, अली के खानदान से आइन हासिल करती है, कॉन्स्टिट्यूशन अहले बैत के आइन दस्तूर। और कुव्वत दीन मुबीन फरमुदाश, और जो फरमाते हैं अली वो दीन मुबीन की कुव्वत उसमें मुजमर है। और खाक मोज मेरे आई नाम मी तवन दीदन नवादर सी नाम, मैं मट्टी हूँ और उनकी मोहब्बत से मैं आईने में तब्दील हो चुका हूँ। और मी तवन दीदन नवादर सी नाम, अगर तुमने आके देखना है तो मेरे सीने के अंदर छुपी आवाज़ को देख लो। दीदन कहा, शनीदन नहीं कहा, कि मैं वो आईना मान गया हूँ अली की मोहब्बत में कि मेरे अंदर का जो है ना वो आईना वो चमक उठा। अब मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि हज़रत अली तो शियों वाली बात कर, ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है। जब आप उस मकाम पे पहुँच जाएँ, अब इकबाल कहते हैं आज रिसालत दर जहाँ तकवीन माँ, आज रिसालत दीन माँ आईन माँ। हमारी अगर जहान के अंदर इज्जत है एहतराम है तो रिसालत की वजह से, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम की वजह से। आज रिसालत दीन मा आईन मा, दिस इज आवर रिलीजियन एंड दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? वो सारे आदाब जिंदगी के जिनके ऊपर आपने चल के आगे बढ़ना है। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर खुल्क, पार्ट ऑफ योर मेमोरी। और इकबाल का एक और शेर मैं लाया हूँ, ये और किताब से लाया हूँ शायद रमूज़े बेखुदी से। कौम ईसा पर कलीसा पाज दे, नकद आईने चलीपा वाज दे। और ईसा की कौम ने कलीसा के ऊपर अपना पाँव मार दिया है और नकद आईने चलीपा वाज दे। और चलीपा जो है क्रास, उसका जो आइन था उसकी सारी नकदी उसने बाहर फेंक दी है। कहीं इकबाल कहते हैं जिंदगी सरमायादार हजार दोस्त, अकला जाइद गाने बतने उस्त। जिंदगी जो है वो आरजू से सरमायादार है, जिंदगी का सारा सरमाया आरजू से है, डिज़ायर से। अकला जाइद गाने बतने उस्त, और अकल जो है उसके आरजू के पेट से जन्म लेती है। चीस नज़म कौमों आइनो रसूम, चीस राज ताजगी है ये आलूम। कि किसी कौम का जो डिसिप्लिन है वो क्या है, वो आइन पे बेस कर रसूम पे बेस करते हैं, ट्रेडिशन पे। और चीज राजे ताजगी हा ये अलूम, ये जो अलूम है साइंसेस, इनकी रिवाइवल की राज कहाँ है? आरजुई कुबजूर खुद शिकस्त, सर्द दिल बैरून रदो सूरत में बस्त। आरजुई कुबजूर खुद शिकस्त, सर्द दिल बैरून रदो सूरत में बस्त। आरजू जो है जो अपने जोर से अपने आप से बाहर आ जाती है तो वो क्या करती है, वो दिल से अपना सर बाहर निकाल लेती है और फिर उसकी सूरत नज़र आ जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा इकबाल ने, दर शबिस्तान हरा खलवत गजीत, कौम व आइनो हुकूमत आफरीद। हरा के शबस्तान में रातों के दुनिया अकेली तन्हाई के खलवत में बैठे रहे,
और वहाँ क्या पैदा किया, कौम बना ली, हराब के अंदर सोच सोच के कौम का नक्शा, आइन और आइन की बुनियाद पे हुकूमत, दर जहान आइन नौ आगाज करत, मसनद अकवाम पेशिन दर नवर्द, इस दुनिया में नए आइन का आगाज़ कर दिया और पुरानी कौमों की जो मसनद थी, कुर्सी स्टेज जहाँ वो बैठी हुई थी, जो बेस ऑफ पावर थी, उसको लपेट के ले गए रसूलुल्लाह से नसल, आइन हारे हरा में सीखा। और ये अगर आप लफ्ज़ देखें, दर जहान आइन नौ आगाज़ कर, मसनद अकवाम पेशिन दर नवर्द, किसी तरह गालिब के अशार जो हैं वो इनके मानी, हालांकि एक फिट नहीं हो रहे, लेकिन वो पुराने आइन को ख़त्म करके नए आइन की बात करते। एक बात भी, पायनियर ऑफ फ्रीडम, किताबें भी बहुत हैं, डाक की टिकटें भी बहुत हैं, लेकिन कभी ने सैयद अहमद खान भी किसी ने बात की है? बहुत अदीन हजरात, आज मैं थोड़ा सा फ्रेंकली आई विल वाइंड इट अप इन ए मिनट, इन ए टू मिनट्स, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी लेगेसी पर बात करता हूँ। तारिक अमीर साहब बैठे हुए हैं, एक शख्सियत हैं, आप उनको पहचान जाएंगे, वो फौत हो गए हैं, अल्लाह उसको गरी के रामत करे, दुनिया उसको नहीं जानती, मेरी पर्सनैलिटी पे उसका बड़ा इम्पेक्ट है। अब आप ज़रा उसको थोड़ा सा पहचाने, कौन है? ये जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, लेट लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अज़हर अहमद, हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन होते थे ये। असल में इस तस्वीर को अगर आप देखें तो यहाँ जो छुप के खड़ा हुआ है ना, ये जनरल आमिर इकराम, ये NIH का नेशनल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है अभी, ठीक है, वो एक खड़ा हुआ है मेरे साथ, मेरा शागिर्द, उस कोने में जहाँ जनरल साहब की फ़ोटो लगी हुई है, ये भी आजकल जनरल है, ये मेरा शागिर्द है, मेरे जनरल एजाज गनी। जनरल अज़हर से मैंने बड़ा कुछ सीखा, ये बिहार के थे और हज़रत इकबाल का कलाम भी उनको याद था और फारसी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, और जनरल ज़िया उनके साथ बड़ा इनका प्यार था, किसी ज़माने में जनरल ज़िया बड़ी इनकी इज्जत करता था, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। मैं उनकी फ़ोटो क्यों लगाई है, मैं भी आपको बताऊंगा क्यों लगाई है। एक दिन ना मुझे उन्होंने ये एक फारसी की नज़म पढ़ के सुनाई, मुझे कहते हैं बेटा आज तेरा टेस्ट है, मुझे ये बताओ ये किसकी नज़म है, नज़म क्या थी, गज़ल क्या थी, फलातून तिफल की बौशत बे यूनानी के मंदारम, मसीहा रश्क मी औरत दरमानी के मंदारम, वो यूनान जो मेरे पास है उसमें तो अफलातून एक छोटा सा बच्चा है, और जो अलाज मेरे पास है उस पे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा भी रश्क करता है। और आगे कहते हैं खुदा दारम दिली बुरियान इश्क मुस्तफ़ा दारम नदार हीच काफ़र साधो सामानी के मंद आरम, मेरे पास खुदा है, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और किसी काफ़र के पास वो साधो सामान नहीं हो सकता जो मेरे पास है। अब इस शेर पे जब मैं पहुंचा तो मैंने डायग्नोज कर लिया किसका शेर है। थोड़ा सा गौर करना, ज़िब्राइल अमी कुरान बे पैगामी नमी खाहम, हमें गुफ्तार माशूकस्त कुरानी के मंद आरम, मुझे ज़िब्राइल अलैहिस्सलाम से कुरान नहीं चाहिए कुरान का पैगाम, वो कुरान जो मेरे पास है वो सारे के सारा महबूब की गुफ्तगू है, गुफ्तार मेरे माशूक की है, ज़िब्राइल से मुझे ज़रूरत नहीं है लाने की। फलक एक बतला है खुर्शीद दारत बाह में शौकत हदारन इन चुनिंदारत गरीबानी के मंदारम, आसमान के पास एक ही सूरज है, उसका मतला है सब, इतना कुछ साबुत सामान है आसमान के पास, सूरज तो उसके पास एक है, मेरे दामान में इस तरह के हज़ारों सूरज छुपे हुए हैं। और आफ्ताब की मैंने तारीफ़ इसलिए नहीं करनी कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को आफ्ताब की तारीफ़ में नज़म लिखने पे मौलवी दीदार अली शाह ने कुफर का फतवा लगा दिया था, कि ज़ोरोएस्ट्रियन आइडियाज़ हैं। और फरमाते हैं बुरहान ताब ईमन संघा दारत रहे वाइज नदारत हीच वाइज हम चू बुरहानी के मंद आरम, बुरहान ताब ईमन संघा दारत रहे वाइज, वाइज का जो रास्ता है किसी चीज़ को बयान करने का, उसमें दलील से लेके ईमान तक पत्थर ही पत्थर है, ना उसके पास कोई दलील है, ना अकल है, ना कोई मंतक है, नदारत हीच वाइज हम चू बुरहानी के मंद आरम, मेरी तरह कोई इसे वाइज के बाद दलील आई नहीं। तो जनरल साहब को मैंने कहा ये जो कलाम है किसी इंडियन शायर का है और पोस्ट मुगल पीरियड का है,
ये मैंने स्टाइल से अंदाज़ा लगाया, भाई इतनी मुझे फारसी आती थी कि मैं स्टाइल से अंदाज़ा लगा लेता था कि किस दौर का ये कलाम हो सकता है। तो कहते हैं फिर सोचो किसका है, मैंने कहा सर सैयद अहमद खान का है। तो जनरल साहब ने मुझे गले से लगाया और मेरा मुंह चूम लिया, उन्होंने कहा वाकई सर सैयद की ये नात। आज मैं सर सैयद के उस पहलू पे भी आया हूँ कि इतनी खूबसूरत नज़म फलातुन तिफल की बाशत भी यूनानी के मंद आरम मसीहा रश्क भी औरत जिदरमानी के मंद आरम खुदा दारम दिल बुरियान इश्क मुस्तफ़ा दारम नदारत हीच का फरसाद सामानी के मंद आरम जिब्रील अमीन कुरान बे पैगामी नमी खा हम हमें गुफ्तार माशूकस्त कुरानी के मंद आरम फलक एक मतला खुर्शीद दौरत बा हमें शौकत हजारन इन चुनिंद दौरत गरीबानी के मंद आरम जबुरहान ताब ईमन संघा दौरत रहे वायस नदारत हीच वायस हम चुबुरहानी के मंद आरम। बहुत खवातीन हजरात, अगली दफ़ा मैं ये आपको बताऊँगा कि इकबाल का क्या ताल्लुक था सर सैयद से और उनके ख़ानदान के साथ। आई एम वेरी सॉरी, मेरा कुछ थोड़ा सा अंदाज़ जो है गुफ्तगू का ज़ाती भी हो जाता है, पर्सनल भी हो जाता है, इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ूँगा और इंशाल्लाह अज़ीज़ जब तक आगे चलते रहेंगे हज़रत इकबाल के हवाले बार बार आते रहेंगे और हम उसके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।